Right. So now we come to the next card. That is another beautiful card. It is known by the name of Akashic Library. Yes, all the answers were in orange colored robe जो आपने देखा वो answers आपके पिछले जन्म से ही आ रहे हैं. So what we'll do is जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम मेडिटेट करते जाएंगे आप उस गहराई तक पहुंचते जाएंगे. स्टेप वाइज करते चलिए. अब ये मैडम, जैसे आप देख रहे. यस सर. नहीं, प्लीज प्लीज कैरी ऑन मैडम, टेल आफ्टर दिस. ओके. ये जैसे आप देख रहे हैं आकाशिक लाइब्रेरी. नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर, ये इंसान एक लाइब्रेरी में बैठा है, पीछे पूरी बुक्स है. एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली डन थिंग. वो लाइब्रेरी बहुत ऑर्गेनाइज लग रही है, सारी बुक्स बहुत तरीके से हैं और कैंडल जल रही है, कैंडल से ही रोशनी आ रही है, जो बुक्स से भी पर बुक्स पे भी पढ़ रही है और बुक शेल्फ पे भी. अब ये जो इंसान बैठे हैं ये एक साधु लग रहे हैं, एक सेज टाइप लग रहे हैं, जो खुली बुक रख के बैठे हैं और कुछ फेदर से लिख रहे हैं. अब कई बार ये क्या होता है, ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि लिखने से रिलेटेड किसी कार्य में वो सामने वाला क्वेरियन होगा, या तो पब्लिशिंग में या राइटिंग में या बुक लिख रहे हैं. लेकिन ये कार्ड ये भी सिंबलाइज करता है कि कोई ऐसी नई इनिशिएशन या नई एबिलिटी के लाइफ को हम एक नया मोड़ दे सके. क्योंकि जब ये कार्ड आता है, आपने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. देखिए मेरा पर्सनल भी रहा है ये एक्सपीरियंस कि हम लोग अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के कुछ सालों में जो हमने सोचा होता है या जो हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स ने सोचा होता है, हम उससे रिलेटेड एक करियर परस्यू करते हैं. उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि चीजें बदल जाती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शेयर माइन. आई एम बाय प्रोफेशन MBA फाइनेंस किया था एंड आई वॉज वर्किंग इन HDFC. अच्छा खासा प्रोफाइल एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेरी वेल एंड ऑन द पीक ऑफ माय करियर आई लेफ्ट इट, क्योंकि वो कॉलिंग दूसरी तरफ की थी. दैट वाज ठीक है, एकेडमिकली आई वाज डूइंग वेल एंड माय पेरेंट्स ऑलवेज प्रमोटेड, तो अच्छा था. बट साइड बाय साइड आई ऑलवेज हैड अ हॉबी यू कैन से. हर समर वेकेशंस पे ना मैं जोडियाक्स या इन प्लैनेट्स पे कुछ पढ़ती थी. सो आई यूज टू बाय बुक्स ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, बट दिस वॉज जस्ट एज अ हॉबी दैट आई वॉज परस्यूइंग. आई नेवर न्यू और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा करियर ये शेप ले लेगा. एंड देन आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज एंड आई विल परस्यू MA एंड एवरीथिंग इन दिस सेम फील्ड. तो दिस इज समथिंग विच हैज टर्न द होल थिंग अराउंड. सिर्फ आई वॉज सीकिंग आंसर्स टू सर्टन क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई ओन लाइफ एंड दैट थर्स्ट ऑफ नॉलेज लेड मी टू दिस प्लेटफॉर्म. तो इसी तरीके से होता है, जब ये कार्ड आता है इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी अरेंज हो गई हैं कि कुछ नया हो रहा है, कुछ आप नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया मोड़ आने वाला है. तो ये नया मोड़ आने के पीछे रीजन क्या है? अगर हम इसमें अपनी हायर अवेयरनेस में जाएं, तो इसमें हम मेडिटेट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं. लेकिन मेन आंसर क्या होता है, जो हमारे पुराने मोटिव्स हैं और हमारे इस जन्म का जो पर्पस है, उसे सॉल्व करने के लिए कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं. कई बार ये कार्ड क्रिएटिविटी को भी बताता है, सेल्फ क्रिएशन, क्योंकि ये खुद से लिख रहे हैं. तो हम खुद से कुछ नया कर रहे हैं, हम खुद से कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं.
इस स्पेस में आपको क्या करना है, आपको क्या गाइडेंस देनी है, इस कि थोड़ा सा अपना फोकस रख के और कॉन्शियसली अपने एफर्ट्स रख के आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे आपकी लाइफ चले। तो फ्यूचर को शेप करने के लिए आपको प्रेजेंट को क्रिएट करना है, और क्रिएट हम कैसे करते हैं, हम कार्मिकली करते हैं, ये भी लिखकर कर रहे हैं। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ कर्मा। सो ये लैंडस्केप आपका है, ये लाइफ आपकी है, ये पूरा जो बुक है वो आपकी है। अब इस बुक में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे, एंड देन दैट इज हाउ यू विल शेप योर फ्यूचर। अब अगर आप इसको उल्टा देखें, तो जो सीढ़ियां नीचे आके इस सेज के पास कनेक्ट कर रही थी, वो इस सेज से दूर ले जा रही है। यानी कि अगर उल्टा ये कार्ड आ जाए, तो इंसान एक कंफ्यूज स्टेट में जा रहा है। आकाशिक नॉलेज की जो बुक्स है वो दूर होती जा रही है, आप साइकिक गाइडेंस से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज फिर उल्टी हो जाएगी, रोशनी उल्टी, यानी कि वो बुक्स पे पढ़ने की जगह कहाँ पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो थिंग्स वुड टर्न इनसाइड आउट। तो जो हमारे अंदर का जो महात्मा है या जो सेज है जो हमें गाइड कर सकता था, वो हमें ढंग से गाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम वहां कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो कुछ चीजें अंदर भरी है उन्हें रिलीज करने की जरूरत है, और रिलीज करने के बाद क्या होता है, क्लैरिटी आती है। तो अपनी आंखों को बंद करके आप हर चीज रिलीज कीजिए जो आपके हाईएस्ट खुद के लिए आपको सर्व नहीं करने वाली, क्योंकि जैसे जैसे आप रिलीज करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी लाइफ से जुड़ते जाएंगे, आप अपने अंदर की लाइट से जुड़ते जाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इस कार्ड को आप रिवर्स करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि ये बुक आपके लिए कोई मैसेज लेके आएगी, यानी कि आपको कोई मैसेज मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दिस बुक इज ओपन। अगर मैंने इसको रिवर्स भी किया, तो बुक ओपन है, हम कोई भी बुक ले, रैंडमली हम उसके पेजेस ऐसे खोले और बीच में किसी जगह देखे, जो लाइन आपके लिए मैसेज लाइन, यू कैन ट्राई इट आउट। बहुत सारा रीडिंग स्टफ होता है आसपास, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कोई भी बुक आप रैंडमली लीजिए, उसके पेजेस को फ्लिप करके जस्ट टेक इट ओपन, आपकी आंखें किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाएंगी, और वो मैसेज आपके लिए उस दिन के लिए है, अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो। अब इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका सिचुएशन है, हो सकता है उसमें जो क्वेरेंट बैठे हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ जानना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आकाशिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के हर पार्ट को एक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, देन टेक माई वर्ड्स के ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। इसके लिए जब आप ऐसे बुक फ्लिप करेंगे, अपने पास आप कोई भी बुक रख सकते हैं, कोटेशंस वाली रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, जब आप ऐसे बुक फ्लिप ओपन करेंगे और जिस मैसेज पे आपकी नजरें जाएंगी, वो मैसेज एक्चुअली आपके क्वेरेंट की लाइफ से रिलेटेड होगा। यू कैन ट्राई इट आउट। मैंने एक बारी सीक्रेट, आप लोगों ने बुक सुनी होगी, काफी फेमस हुई थी ये बुक, तो सीक्रेट रखी हुई थी मैंने अपने पास, एंड व्हाट आई डिड वाज जस्ट टू टेस्ट इट, मैंने इसको खोला था, एंड आई गॉट अ मैसेज दैट वाज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वेरी।
ये नेटवर्क इशू मैम की तरफ से या हमारी तरफ से? मैम यस, वॉइस इज क्रैकिंग. मैम की तरफ से. मैम की तरफ से. यू कैन ट्राई दैट आउट. क्या एम आई नॉट ऑडिबल? मैम आप फ्रीज हो गए थे पिछले मेरे ख्याल से 30-40 सेकेंड्स के लिए. ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज के जब हम ऐसे रीडिंग करते हैं और रिवर्स कार्ड आता है तो आप कोई भी बुक अपने पास रख सकते हैं. लाइक आई हैड ट्राइड कीपिंग द सीक्रेट करके जो बुक है, काफी फेमस बुक, वो रखी थी क्योंकि उसमें छोटे छोटे अफर्मेशंस कोटेशंस है दैट रिलेट टू योर लाइफ, तो वो रखी थी. एंड जब मैंने खोल के देखा उसका जो मैसेज था दैट वाज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वेरिन. तो ये चीज टेस्ट की हुई है, यू कैन टेस्ट इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. बट अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये उस केस में है, राइट?